अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के इस वाले ब्लॉग में ना ही दमाम कॉर्निस का जिक्र होगा और ना ही किसी कॉफी का। आज जिक्र होगा तो सिर्फ खाने का, और वो भी अपने हाथ से बने हुए, लेकिन मेरे नहीं किसी और के। इसलिए आज मैं मौजूद हूँ 91 दमाम में अपने एक साथी के रूम पर। और आज खाना बनेगा ड्राइवर के एक छोटे से रूम में, जो कि एक नॉर्मल होता है यहाँ पर। लेकिन आज अपने हाथों से बना हुआ खाने का टेस्ट करने के लिए, इसलिए कहते हैं ना कि, और मैं भी कई बार कह चुका हूँ कि कुछ खानों में जो है अहम रोल होता है हाथों का, कि किसी के हाथों में जो है टेस्ट होता है, किसी के हाथों में नहीं। लेकिन उसी टेस्ट का जायका लेने के लिए आज मैं मौजूद हूँ अपने एक साथी के रूम पर। अभी क्या बनने वाला है, क्या नहीं बनने वाला, कुछ पता नहीं, क्योंकि जो बनाएंगे वो अभी गए हुए हैं ड्यूटी पर। जैसे ही वो आएंगे तब देखेंगे इंशाल्लाह कि क्या बनने वाला है क्या नहीं, और फिर मैं बताता हूँ आपको कि यहाँ का टेस्ट कैसा है कैसा नहीं, यानी जो वो खाना बनाने वाले हैं। तो बने रहिए ब्लॉग के एंड में, देखते हैं कि आज क्या बनता है क्या नहीं। तो इसमें जो है अभी नमक मिला लिया है चिकन में। कितना किलो होगा बाबू भाई? ये 2 किलो, 2 kg चिकन है। अभी ये हल्दी पाउडर दिखा है शायद, शायद नहीं, कंफर्म। अच्छा, कंफर्म है, नहीं मुझे पता नहीं है ना। अब जो है इसमें हल्दी पाउडर मिला लिया एक छोटा चम्मच, यानी ये है करी पाउडर भरात मुसक्कल मिक्स मसाला, ताजा है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो है मसाले मिला लिए, इसमें जो है करी पाउडर मिला लिया है, मतलब 2 चम्मच होगा मेरे हिसाब से शायद। डलता रहेगा। अच्छा, डलता रहेगा, डालते रहो तो फिर हसब जरूरत। कलर मसाला काफी अच्छा लग रहा है अभी से। तो अभी इसमें सारे मसाले जो है मैरिनेट कर लिए हैं। अब शायद इसके बाद क्या होने वाला है अभी कुछ पता नहीं। फिलहाल अभी गैस चूल्हे पर जो है कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई में डाल दिया है तेल। अभी इसको जो है थोड़ा देर गर्म किया जाएगा तेल को, और तेल गर्म होते ही इसमें मैरिनेट हुआ जो हमारा चिकन रखा था वो जो है इसमें फ्राई किया जाएगा। और तेल गर्म होते ही चिकन के पीस जो है तेल में फ्राई होने के लिए जो है डाल दिए गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इधर हमारा चिकन फ्राई हो रहा है। और फिलहाल अभी जो है चिकन के कुछ पीस फ्राई होकर जो है बाहर निकाल लिए गए हैं, मतलब ये जो है फ्राई हो चुके हैं, बस कुछ देर में जो है इनको टेस्ट करेंगे। वाह माशाल्लाह, कितना अच्छा कलर आ रहा है, शायद टेस्ट भी अच्छा ही होगा। और हम प्लेट लेके खड़े हो गए हैं, ऐसे प्लेट में 2 पीस आ गए हमारे। और वैसे तो मुकम्मल होने में जो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी जो है प्याज भी काटी जाएगी सलाद के रूप में। फिलहाल हम ऐसे खड़े हुए थे प्लेट लेके, उसके बाद जो है 2 पीस यहाँ आ गए, गिरे नहीं ऊपर से, रखवाए गए जबरदस्ती, क्योंकि दे ही नहीं रहे थे उससे पहले, बोले पूरा पकने दो पूरा बनने दो। तो मैंने सोचा क्योंकि हमसे रुका नहीं जा रहा जब चिकन के लेग पीस फ्राई हो रहे हों, स्टार्टर के रूप में चेक कर लेते हैं कि टेस्ट कैसा है कैसा नहीं, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथों में काफी अच्छा टेस्ट है। देर न करते हुए इसको गरम गरम ट्राई कर लेते हैं कि टेस्ट कैसा है कैसा नहीं। मेरे यहाँ अटक गया, काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि ये गरम गरम है, पहले इसको निगल लें। मैं खा रहा हूँ, माशाल्लाह पीस काफी गल गए हैं, ये देख रहे हैं ना आप, ये जो निकल रही है ये बता रही है कि पीस जो है काफी अच्छे तरीके से गल चुका है। और टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा आ रहा है, दिल कर रहा है कि ये भी खा लें। कंडीशन क्या होती है कि जजमेंट इसलिए नहीं हो पाता, या तो ज्यादा गर्म हो या फिर ज्यादा ठंडा, लेकिन बीच का जो होता है मीडियम, उसका जजमेंट एकदम हो जाता है कि खाना कैसा बना हुआ है कैसा नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा है, क्योंकि पीस जो है इसके गल चुके हैं। अगर ये थोड़ी देर और मैरिनेट किया जाता तो और भी अच्छे तरीके से ये पीस गल जाते। वैसे भी वो लेग पीस पता नहीं किसके नसीब में जाता, पेट दर्द करता, ये भी बचा हुआ था तो सोचा कि इसको भी खा लें। ओए होए होए होए, क्या गजब टेस्ट है यार माशाल्लाह। के तुमसे प्यार माशाल्लाह माशाल्लाह। ओए होए, क्या रोटी हमारे आगे को मत रखो भाई, देखो क्या करो, रोटी तो जरूर खानी पड़ेगी, मर्जी तेरी है। तो मोबाइल दे मैं तुम्हें अपना वाला।
अरे क्यों नुकसान कराना चाहते हो यार? ना मैं आज मैं देखा है, मैं एमआई का वो वाला दिलवा दियो। क्या हो जाए, ये नहीं समझ सऊदी में आने के बाद। क्या चटनी बना ले तो अच्छा रहता। तो ये पीस ले लिया है स्टार्टर के रूप में। तो मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा हूँ। ये पीस ले लिया हमने एक स्टार्टर के रूप में, बाकी काफी सारा आइटम है यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा करके खाएंगे। अगर मैं कैमरे के सामने ही बोलता रहूंगा तो खा नहीं जाएगा। ये जो है ऑलरेडी खा चुके हैं, क्योंकि काफी देर से खा रहे हैं ये, तो इसलिए मैं ये खा लेता हूँ और इंशाल्लाह बाद में। काफी टाइम से मछली फ्राई करो तो फिर है मछियों की फीलिंग आ रही है। तो गाइज अभी रात के 11 बजे को जो है मैं 91 में उनके रूम से खाना खाकर अभी आ गया हूँ अपने रूम पर। और आज जो है बहुत ज्यादा नींद आ रही है मुझे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह खाना काफी अच्छा रहा। बस थोड़ा जो है मोबाइल जो है स्टेबल नहीं हो पाया, इसलिए मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया और सही तरीके से जो है मैं टेस्ट का रिव्यू भी नहीं दे पाया कि उसका टेस्ट किस तरीके से कैसा था और किस तरीके का बना हुआ था। इतना टाइम भी नहीं मिला क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मैं बिजी था, तो इसलिए जो है मैं मुकम्मल तरीके से वीडियो बना नहीं पाया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि बेहतर तरीके से बने। तो अभी जैसा कुछ देर पहले बताया कि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, काम काफी ज्यादा पेंडिंग में पड़ा है, जैसे कि अभी रूम की सफाई करनी है हर रोज की तरह। नींद भी काफी ज्यादा आ रही है और आई थिंक सुबह से मेरा मुंह भी नहीं धुला, नींद बहुत ज्यादा आ रही है, तो इसलिए मुझे सोना है और सुबह जल्दी में उठना रहता है 4:30 बजे को। तो इसलिए आज के इस वाले ब्लॉग को जो है यहीं पेंड करते हैं। मिलते फिर हम अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज और यल्ला मा सलामा। आंखें भी नहीं खुल रही, इतनी ज्यादा नींद आ रही है।